हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजभर। आज के वीडियो में बात करने वाले ट्रेडमार्क के ऊपर। ट्रेडमार्क का ए टू जेड नॉलेज आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ट्रेडमार्क के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, कैसे उसको डील करना होता है, अगर आप किसी और से करवा रहे हो तो उससे कैसे बात करोगे, क्या क्या आपको उसको ध्यान में रखना है ट्रेडमार्क करवाते समय, जो भी चीज़ है सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ बच गया तो आपके लिए कमेंट सेक्शन में बचा है बॉस। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा गूगल शीट भी है, वहाँ पर आप उसको भी फिलअप करके कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं। देखो, ट्रेडमार्क क्या होता है बेसिकली। ट्रेडमार्क का मतलब ना कोई स्पेसिफिक लोगो, कोई स्पेसिफिक वर्ड। जैसे दिख रहा है आपको ये सब बाटा वाटा वर्ड, ये बाटा, बिस्लेरी, टाटा, ये सब लोग का वर्ड जो है ना, इस नाम का आप यूज़ नहीं कर सकते हो। स्पेसिफिक आप पानी के ब्रांड में देखोगे, बिस्लेरी का स्पेलिंग बहुत लोग चेंज कर करके करते हैं। बिस्लेरी का बिलसेरी बना देते हैं, बिलासेरी बना देते हैं, बिलसुवरिये बना देते हैं, कुछ अजीब सा नाम बनाते हैं। मेरे पास खुद बिस्लेरी बोलकर 5-7 बोतल पड़ा हुआ है जो बिस्लेरी नहीं है, अजीब अजीब नाम है, बट एक नज़र में देखूंगा तो बिस्लेरी लगता है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल यूज़ करते हैं। अब देखो, अगर आप कोई एक ब्रांड बना रहे हो, ठीक है, आपने एक ब्रांड बनाया, इस पेन का एक ब्रांड बनाया, पेन का नाम दे दिया रॉलमैक सपोज। अब इस रॉलमैक पेन का ब्रांड सिर्फ और सिर्फ पेन के ऊपर एप्लीकेबल होगा, या पेन के अलावा और किस किस चीज़ में आप मार्केट में घुसोगे? हो सकता है आप सिर्फ पेन भी नहीं बल्कि पेंसिल भी बना रहे हो, एग्जाम्पल आप रब इरेजर भी बना रहे हो, ठीक है, आप स्टडी का स्टेशनरी बना रहे हो, जितना भी हो सकता है कंपास बोर्ड सब कुछ बना रहे हो, ठीक है, रॉलमैक नाम यूज़ करके। इन दैट सिनेरियो बॉस, आप क्या करोगे, इस रॉलमैक को अपनी यूज़ करोगे। अच्छा लगेगा कि आप ट्रेडमार्क लिए हो, आप सॉरी आप ये एक ब्रांड बनाए हो और इसके ऊपर रेवेन्यू 100 करोड़ का हो गया आपका। सपोज 100 करोड़ रुपये का आपका टर्नओवर है, एंड मैं अचानक से मार्केट में आता हूँ, देखता हूँ अरे रॉलमैक वर्ड का इस्तेमाल करने से मेरा ब्रांड बिक रहा है, मैंने अपना माल लाया, सस्ता कंपनी का लाया और रॉलमैक लिखा बेच दिया। मैं आपसे सस्ता प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, आपसे चीप बना रहा हूँ और उसको बेचना स्टार्ट किया। देखो, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक बार को आप बोलोगे चलो ठीक है यार, वो अपना कमा रहा है मैं भी कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रॉब्लम यह होगा कि मैं सर्विस घटिया दे रहा हूँ। मैं रॉलमैक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपका वर्ड है, मैं सेम वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन मेरी सर्विस घटिया है। मेरी सर्विस घटिया होने की वजह से आपके ब्रांड की बदनामी हो रही है, मेरे सर्विस की वजह से आपकी कंपनी कल को डाउन चली जाएगी, आपका रेवेन्यू गिर जाएगा। तो ये चीज़ ना कर सके कोई, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को लेके आना पड़ता है, अपना ट्रेडमार्क करना पड़ता है। अब देखो, बिस्लेरी का एग्जैक्ट वर्ड स्टाइल जो है ना, ये कोई यूज़ नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, अगर कोई घटिया पानी मिलता भी है, हमको पता है मिल रहा है, तो हम देखेगा, हम एक नज़र में हम जान भी होगा बिस्लेरी नहीं, मतलब एक नज़र में लेके आया बिस्लेरी है, ले लिया बोतल, बाद में क्या पता चलेगा, अरे यार ये तो बिस्लेरी निकला है ना, मेरे को खुद को रिग्रेट होगा कि यार मैं तो घटिया बोतल ही लेके बैठा हूँ, मैं तो गलत कंपनी का ही पानी पी रहा हूँ, तो ये तो प्योर जो मिनरल वाटर होता है वो नहीं होगा, मेरे को पता चल गया ना, तो बिस्लेरी पे भरोसा नहीं टूटा मेरा, पहला बात। दूसरा चीज़, अगर घटिया प्रोडक्ट मेरे को मिल रहा है तो अच्छे प्रोडक्ट के लिए मैं शायद 5 रुपये अगर को ज़्यादा दे दूँ। अगर मेरे को कोई दुकान वाला 15 में वो बोतल दे रहा है बढ़िया वाला और 10 में कोई घटिया बोतल दे रहा है, तो मैं क्या ट्रस्ट करूँगा यार, बिस्लेरी पे सेट होता है ना, 5 रुपये तो बढ़ रहा है। तो पहला तो मेरा कॉस्ट भी मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हूँ। आज का मार्केट ना पैसा को लेकर थोड़ा 19-20 कर लेता है, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा दे देगा, उसको सर्विस बढ़िया चाहिए, ठीक है, सर्विस परफेक्ट चाहिए होती है, आज का ये मार्केट डिमांड है। तो बहुत बिस्लेरी अब क्या हो गया, आप एक्स्ट्रा पे करके बढ़िया सर्विस ले लिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ आपका मार्केट भी बच रहा है, आपका ब्रांड और ग्रो कर रहा है और ये भी हो रहा है। इसका दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा होता है वैल्यूएशन का। जब कंपनी का वैल्यू होता है ना, कि कंपनी का वैल्यू क्या, जैसे देखते हो ना आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का रोज वैल्यू बढ़ते चला जाता है, कभी कम होता है कभी बढ़ता है, तो ये सब चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, बिकॉज वो लिस्टेड है और उनके बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा उनका एसेट वगैरह है। छोटी कंपनियों का भी वैल्यूएशन होता है, जब शेयर क्या बोलते हैं इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे शार्क टैंक वगैरह में इन्वेस्टर्स होते हैं ना, पिच देते हैं एक्सेप्ट करते हैं, वैसे ही जब आपका इन्वेस्टर आता है, इन्वेस्टर अप्रोच करता है या फिर आप अप्रोच करते हो इन्वेस्टर को कि सर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, तो वो आपकी कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देखता है। वो देखता है कि आप जो ब्रांड बना रहे हो, सपोज बिस्लेरी ब्रांड बनाए हो, इस ब्रांड के नेम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं आप। आपने बोल दिया कि सर हमारा 50 करोड़ का रेवेन्यू है, सपोज इन दैट सिनेरियो वो आपसे साफ बोलेगा, क्या आपके ऊपर, क्या आपके पास इसका ट्रेडमार्क है? अब आप बोलोगे ट्रेडमार्क नहीं है, इसका मतलब वो यहाँ पे समझ रहा है कि आप अपने राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। कल को मार्केट में कोई सेम वर्ड यूज करके ट्रेडमार्क ले लिया अगर, तो आपको अपना ब्रांड बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जो सबसे पहला क्वेश्चन था, वाई ट्रेडमार्क का ज़रूरत क्यों है, उसका आंसर मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर किया, बिकॉज आपको अपने प्रोडक्ट को अलग रखना होगा दूसरे के प्रोडक्ट से। सेम मार्केट में 50 तरीके का सेम प्रोडक्ट मिलता है, उन सेम प्रोडक्ट में अपने प्रोडक्ट की अलग आइडेंटिटी बनाना ट्रेडमार्क बोलते हैं,
ठीक है, ये सिर्फ वही आदमी यूज कर सकता है जिसके पास इसका राइट है, और कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। नेक्स्ट भैया, टाइम कितने टाइम तक के लिए वैलिड होता है? 10 साल। 10 ईयर्स तक आपके पास ट्रेडमार्क, एक बार आपको अप्रूवल हो गया आप 10 साल तक उस ट्रेडमार्क वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 साल के बाद आपको फिर से रिन्यू करना पड़ता है। अगर आप रिन्यूअल नहीं कर पाए तो 10 साल के बाद आपका इसका इसके ऊपर राइट खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार जिस नाम पे आपने ट्रेडमार्क ले लिया, उस ट्रेडमार्क का इस्तेमाल करके कोई इंसान कंपनी नहीं बना सकता, ठीक है, आपके अलावा। उस ट्रेडमार्क के ऊपर कोई और ब्रांड नहीं बना सकता। कल को किसी आदमी ने वेबसाइट बना लिया, सेम ट्रेडमार्क जो आपके पास है, आप उसके अगेंस्ट एक नोटिस भेज सकते हो कि भैया ये नाम का जो आपका डोमेन है ना, हटा लो चुपचाप, क्योंकि हमारा इस पर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अगर आप सेम बिजनेस में, सेम क्लास के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्लास होता है, सिविल कंस्ट्रक्शन का एक क्लास होता है, ठीक है, आप तो शायद स्टेशनरी में वो अलग क्लास है, आप मेडिकल चीज में वो अलग क्लास है, अपने अपने क्लास में, आपके क्लास में जाके आपका जो कोर बिजनेस एरिया है उस एरिया में जाके वो उस डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सपोज मैंने रॉलमेक बोलकर एक पेन का ये ले लिया है, कोई और रॉलमेक बोल के कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल रहा कर सकता है, वो रॉलमेक बोल के कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करना चाहे कर सकता है, रॉलमेक बोल के वो वेबसाइट चलाना चाहे कर सकता है, लेकिन रॉलमेक का स्टेशनरी बिजनेस वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अलग अलग क्लास में अलग अलग ट्रेडमार्क अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट सर, खर्चा क्या आता है इस ट्रेडमार्क के अंदर? देखो, खर्चा बहुत ज़्यादा का नहीं आता। अगर आपको लगता है आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आपका एक अच्छा ब्रांड है जो फ्यूचर में जाके वैल्यू क्रिएट करेगा, इन दैट सिनेरियो आपका 4,500 तो भैया ये आता है गवर्नमेंट फीस, इसमें तो कोई कमी हो नहीं सकता। अब इसके बाद आता है आपका अलग अलग टाइप का, देखो खर्चा अगर मैं बोलता हूँ ना, तो खर्चा को लेकर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि भैया बता दो ना खर्चा, तो मैं एकदम डिटेल में बताता हूँ बॉस, इसीलिए तो चैनल मेरा सब्सक्राइब आप लोग करते हो, कि मैं प्राइस जो है ना एकदम क्लियर रखता हूँ सभी चीज़ को लेकर। देखो खर्चा 3 टाइप का होता है इसमें। नॉर्मली आप जब भी ट्रेडमार्क के लिए जाओगे ना, किसी को भी फ़ोन करोगे कि भैया ट्रेडमार्क कर देंगे क्या, बोलेगा हाँ कर देंगे, कितना में करोगे, कोई बोलेगा आपका 1200 में कर देंगे, किसी फर्म के पास जाओगे बोलेगा 7500 में करेंगे, कोई फॉर्म ऐसा है जो 10K में करता है, 10,000 चार्ज करता है एक एप्लीकेशन का, एक रजिस्ट्रेशन का। अभी समझो बात को, वर्ड में कीमत होता है, इंसान जो इस्तेमाल करता है ना वर्ड, हम लोग बोलने से तो मैं कुछ भी वर्ड बोल देते हैं, बट लिखते समय जो वर्ड है ना वो बाइंडिंग होता है और उसी वर्ड का कीमत होता है, समझो बात को। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बोलकर एक सिस्टम लोग करते हैं कि हम लोग एप्लीकेशन कर देंगे आपका 1200 रुपया में, ट्रेडमार्क अप्लाई कर लीजिए 1200 रुपये में, और नॉर्मली आपका रजिस्ट्रेशन अगर बहुत बढ़िया ट्रेडमार्क है तो आपका हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा झमेला नहीं होता, बहुत मतलब परफेक्ट ट्रेडमार्क रहा तो आपका इन दैट सिनेरियो 1200 या फिर 1200 2000 रुपये के आसपास खर्चा आएगा, जो भी आपका आ रहा है इसमें आपका ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन क्या हो गया। अब देखो ट्रेडमार्क का एप्लीकेशन होता है, पहले जब आप एप्लीकेशन करोगे वो एप्लीकेशन जाएगा ऑफिसर के पास, ऑफिसर उसको चेक करेगा सब कुछ ठीक है, फिर वो उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट में डालता है। अब एडवर्टीजमेंट में किसी कोई अपोजिट पार्टी है जिसको लगता है कि ये ट्रेडमार्क मेरे बिजनेस से मैच करा है, तो वो क्या करेगा आपके अगेंस्ट नोटिस भेज देगा, ठीक है, वो ऑफिसर के पास नोटिस भेज देगा कि ये ट्रेडमार्क मेरे ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, हमने इसको नोटिस दिया है, सिंपल। अब आपका ट्रेडमार्क रहेगा ऑन होल्ड, ठीक है, आपको इस नोटिस का रिप्लाई करना होगा, इस चीज के लिए वो अलग चार्ज करेगा आपसे, क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूँ, इस चीज के लिए वो अलग चार्ज करेगा आपसे, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने नोटिस भिजवा दिया उसे कि चल भाई 2000 ले ले, नोटिस भेज दे, ठीक है, अब नोटिस जब उसने भेज दिया, नेक्स्ट क्या होगा, अगर नोटिस से सेटिस्फाई नहीं हुआ फिर एक बार और नोटिस आ सकता है, फिर आपको नोटिस का रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, फिर वो आपसे चार्ज कर रहा है, तो ये प्रोसेस 2-3 बार चार्ज कर सकता है वो, शायद 1 से 2 बार चार्ज कर ले मे बी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है आपका रिप्रेजेंटेशन। अगर मान लीजिए ऑफिस सेटिस्फाई नहीं है, आप भी सेटिस्फाई नहीं है, आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा है, इन दैट सिनेरियो आपको पर्सनल हियरिंग करना पड़ेगा, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हो लेकिन आप करोगे नहीं क्योंकि आप डर जाओगे कि क्या बोलेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको किसी को हायर करना पड़ेगा। अब ये बंदा हायरिंग के समय अगेन चार्ज करेगा आपसे 2500 2500 चार्ज करेगा, 2000 3000 रुपये चार्ज करेगा कि भैया हम आपके साथ आपके बिहाफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन का हर कोई अलग चार्ज करता है, चाहे वो आपका 7,500 का हो, 10,000 का हो, कोई भी हो, आपका अलग चार्ज करता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सर्विस हमेशा अलग होती है, तो ये आपका अलग खर्चा आएगा। पहले पूछ लो कि भैया अगर आप मेरे बिहाफ में रिप्रेजेंट अगर करना पड़ा तो कितना खर्चा लेंगे, कितना चार्ज करेंगे, सिंपल। नोटिस के लिए क्या आप कोई अलग चार्ज कर रहे हैं, कितना नोटिस आप फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ आने पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिस्पॉन्स करेंगे, ये आप पहले पूछ लो, ठीक। अगर कोई इंसान 7,500 में कर रहा है सेम एप्लीकेशन सेम नोटिस, देखो
पॉइंट ना, ट्रेडमार्क आप अपने राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आपके उस बिजनेस में कोई और मतलब माता खोचाबाजी ना कर सके, ठीक है। तो आपके बिजनेस का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इस तरीके से होना चाहिए कि उस बिजनेस से रिलेटेड जितना ऑप्शन है आप 360 डिग्री अप्रोच को कवर कर रहे हो, कोई किसी भी तरीके से उस बिजनेस में नहीं घुस पाए, ठीक है। तो ये आपका 360 अप्रोच होना चाहिए। अगर ये अप्रोच सही नहीं रहा बॉस, तो क्या होगा ना, कोई और उसी बिजनेस में वही मार्केट के लेके, वही प्रोडक्ट को लेके, वही ट्रेडमार्क को लेके बिजनेस कर जाएगा, और आप बैठ के देखते रह जाओ कि यार ये तो मेरा ट्रेडमार्क का राइट भी इन्फ्रिंज कर दिया, मैंने ट्रेडमार्क भी लगाया, 10,000 खर्चा भी किया, और उसके बावजूद मेरे को ट्रेडमार्क का बेनिफिट नहीं मिला, बिकॉज आपने उसका जो 360 अप्रोच था ना वो फॉलो नहीं किया। आपने उसको सिर्फ 180 डिग्री दिया, आधा ही अपना अपने आप को प्रोटेक्ट किया, आधा आपने दे दिया खुला मार्केट जिसको जो करना करे। तो ये जो प्रोफेशनल दिमाग है जो काम करते करते लोग के पास पहुंचता है, ये पहुंचने के बाद लोग चार्ज बढ़ाता चले जाते हैं। बड़े बड़े फॉर्म 10,000, 15,000, 20,000 ये चार्ज करते हैं एक एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का, ठीक है। और लाइक बहुत मैंने देखा हुआ है, लाइक बीकॉम वगैरह में कुछ लोग रहते हैं, किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत काम सीख लिया तो पहले कि हाँ ठीक है भैया मेरे को दे दो, 1,000 में 500 में अप्लाई कर देता हूँ, ऐसा बहुत लोग करते हैं। और एक डिसेंट फॉर्म में भी जाते हो तो आपका आराम से 4,000-5,000 के आसपास खर्चा जाता है, जो मेरे को अंदाजा है, ठीक है। क्योंकि ये मेरे को अंदाजा कहाँ से, सिर्फ और सिर्फ बेंगाल कोलकाता का नहीं बोल रहा, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा नोएडा में भी है, बेंगलोर में भी वी हैव कनेक्टेड, सो वहाँ का भी मार्केट के हिसाब से मैं एक लमसम आइडिया आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट तो हर फॉर्म का अलग अलग होगा बॉस, मैं कैसे बोल सकता हूँ एग्जैक्ट यही चार्ज होगा कोई भी, ठीक है। वी हैव अप्लाइड मोर देन 50 ट्रेडमार्क, सो एक डिसेंट आइडिया तो हमारे पास भी है कि क्या लोग चार्ज करते हैं, कैसे लोग क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि बहुत टाइम लोग आते हैं कि भैया मेरा तो ट्रेडमार्क था, उसके बाद भी सामने वाला पार्टी बिजनेस करा, अब हम क्या करें। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन नहीं करवा रहे हैं आप, ठीक है। ट्रेडमार्क लेना अलग चीज़ है, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करवाना अलग चीज़ है। बात को समझो, ट्रेडमार्क आपने ले लिया, ट्रेडमार्क का आपका एप्लीकेशन करवा लिया, आपका ट्रेडमार्क अप्रूव हो गया, अब प्रोटेक्शन का क्या? आपके पास तो टाइम नहीं है कि आप रोज चेक करो कि 50 लोग कोई और ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं कराना, ठीक है। मान लो मैंने ये नाम लिया ROLMK, मैंने ये वर्ड का ट्रेडमार्क करवा लिया, सपोज रोल मेक, मैंने ये करवाया, ठीक है। अब मत बोलना से स्पेलिंग गलत है, मेरा ट्रेडमार्क भाई मेरा मत, मैंने इस वर्ड पे करवाया। एक साल बाद कोई बंदा आ रहा है, वो रॉल ऐसा वर्ड रख रहा है, ROLMACK, ठीक है, इसके ऊपर ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया सेम क्लास के अंदर। अब देखो समझो बात को, अगर मैं इसको अपोज नहीं करता हूँ तो ये शायद अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर राइट, आपको हर साल हर वक्त आपको एक एक चेकिंग रखना पड़ता है कि कहीं मेरे क्लास के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट तो नहीं करवा रहा, मेरे क्लास के अंदर कोई घुस के तो नहीं बैठा है, कोई घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, मेरा ब्रांड बढ़ रहा है तो शायद कोई और घुसना चाहता हो। तो ये चीज़ जो है ना, ये एक कोर चीज़ है जो बहुत रेयर फॉर्म्स प्रोवाइड करती है, सर्च का काम करता है, सर्च और स्टेटस का, कि हमेशा वो एक्टिवली मॉनिटर करते रहेंगे कि आपका जो राइट है वो प्रोटेक्टेड है। ऑब्वियसली इसके लिए वो लोग डिफरेंट चार्ज करते हैं, हर साल वो ईयर बेसिस पे होता है कि आपका राइट को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अगर कोई उस आपके राइट से रिलेटेड कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई होता है तो उसके अगेंस्ट नोटिस भेज देंगे। सो दिस इज हाउ अ फर्म प्रोटेक्ट समवंस ट्रेडमार्क राइट, समवंस राइट, ठीक है। सिंपल, डेली बैठ के एक बंदा चेक करता है कि भैया क्या है स्टेटस, डेली नहीं मतलब कुछ कंपनियां का आज करेगा, कुछ कल करेगा, कुछ ऐसे करके उसका डेली काम है, बैठ कर रोज चेक करते रहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, हमारा ट्रेडमार्क के अगेंस्ट कोई क्या क्या, जो हमारा ट्रेडमार्क का लिस्ट है किसके कौन सा पार्टी है उसका ट्रेडमार्क है, पार्टी क्या है उसका ट्रेडमार्क। अब एक पार्टी के पास हमारे यहाँ पे 6-7 ट्रेडमार्क है सपोज, तो सातों ट्रेडमार्क हमारे को तो पता चलेगा क्या ट्रेडमार्क है, आज किस किस के ऊपर एडवर्टीजमेंट आया, क्या क्या एडवर्टीजमेंट रिलीज हुआ, ये जस्ट चेक इट आउट कि हमारे वाले से तो कोई रिलेट नहीं कर रहा, अगर रिलेट कर रहा है तो विल मार्केट आउट एंड हम उस पार्टी क्लाइंट कंपनी को भेजते, क्लाइंट को भेजते कि भैया देखो ये एक ट्रेडमार्क है जो ऐसा रिलेट कर रहा है, आपको लगता है कि इसके अगेंस्ट हम लोग को जाना, हमको लगता है इसके अगेंस्ट जाना चाहिए, आप कन्फर्म करो। तो इफ दे कन्फर्मेशन कि हाँ मेरे को भी लगता है ये प्रॉब्लम है, इन दैट सिनेरियो हम उसको नोटिस भेजते हैं। नोटिस भेज दिया जब उसको, तो फिर वो अगेन वही चीज़, अब एडवोकेट क्या बोलते हैं, मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है शायद, या फिर नोटिस के बाद में उसका कैंसिल हो सकता है रिप्रेजेंटेशन, या फिर एक्सेप्ट हो सकता है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन का खर्चा अलग होता है, रिप्रेजेंटेशन का खर्चा अलग होता है, और उसको प्रोटेक्ट करने का खर्चा अलग होता है। आप प्रोटेक्शन का खर्चा खुद भी बचा सकते हो कि भैया मैं खुद चेक करता रहूँगा हमेशा, ये आप चाहो तो बचा सकते हो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन का खर्चा आप बचा सकते हो, कैसे, आप खुद ही रिप्रेजेंट कर दो अगर ज़रूरत पड़ा तो, मतलब ऑनलाइन होता है नॉर्मली, तो ऑनलाइन खुद ही आप आके बोल दो सर मेरा ही ट्रेडमार्क है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लो। थर्ड होता है
आप एप्लीकेशन का भी खर्चा बचा लो, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। मैं खुद भी अपने नाम पे अप्लाई कर सकता हूँ, आप खुद भी अपने नाम पे अप्लाई कर सकते हो, ये बंदा बैठा है ये खुद भी अपने नाम पे अप्लाई कर सकता है, हर कोई अपने अपने नाम पे आपको अप्लाई कर सकता है। ऑफिस के बाहर एक प्यून बैठा है वो भी चाहे तो अपने नाम पे अप्लाई कर सकता है, कोई भी ट्रेडमार्क, सब्जेक्ट टू 4,500। ठीक है, जो भी है। तो पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, क्या क्या निकल के आ गया, क्यों करना होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है ये मैंने बता दिया। हु कैन अप्लाई, कोई भी कर सकता है, कंपनी, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, हर कोई कर सकता है, ट्रेडमार्क ले सकता है। बट यू हैव टू बी इंश्योर कि आप जो ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हो वो आपके राइट्स को फुल्ली प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर वो फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर फायदा नहीं है, आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, रिस्पॉन्स में आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, बेनिफिट तो मैंने बता दिया आपको कि भैया सिर्फ आपके पास राइट है और कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। क्लियर, वैलिडिटी मैंने बता दिया आपको, 10 साल के लिए वैलिड होता है, 10 साल के बाद आपको अगेन रिन्यू करना पड़ता है। एंड सबसे ज़्यादा जो डिटेल मैंने डिस्कशन किया वह है मैंने एक्सपेंसेस के ऊपर, ये कितना खर्चा आपका अल्टीमेटली आता है ट्रेडमार्क में। ठीक है, नेक्स्ट, जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करोगे, ठीक है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन कर दिया उस दिन से आप TM वर्ड का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। कौन सा वर्ड? TM, ट्रेडमार्क। इसका मतलब होता है आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और R वर्ड का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपका रजिस्टर हो जाए। ओके, अब मेरा क्वेश्चन आता है कि भैया मान लो आपने क्या किया, आज एक ब्रांड बनाया और उसका एक रैपर छपवा दिया। ऐसा क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकली, हमने एक रैपर छपवा दिया, ठीक है, उस रैपर पे प्रोडक्ट का नाम लिखा है, वहाँ पे हमने TM डलवा दिया। ओके, और हमने यहाँ पे 1 लाख पीस हमने ऑर्डर किया था, हमारे पास अभी भी पड़ा हुआ है और हमारा TM रिजेक्ट हो गया ट्रेडमार्क, तो क्या हम इसका इस्तेमाल करना नहीं छोड़ देंगे? कर लो इस्तेमाल, ठीक है, ये इस्तेमाल कर जाओ, नेक्स्ट जब आप लॉट ऑर्डर करना ना उसमें मत करना। ठीक है, क्योंकि यू कैन से कि हमने ट्रेडमार्क अप्लाई किया था, हमारा उस वक्त आया हुआ है, उस वक्त तो हमारा ट्रेडमार्क था ना, तो आप कर लो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बार बार आप वही चिटिंगबाजी कर रहे हो कि हमारा ट्रेडमार्क अप्लीकेशन किया हुआ था, 10 साल से चल रहा है, नहीं चल सकते आप। पता चलेगा तो क्या करेगा, आप सामने वाला पार्टी सीधा आपको नोटिस भेज देगा। ठीक है, और नोटिस भेजने में जो खर्चा आता है वो भी सामने वाले पार्टी से ही बियर करना पड़ता है कि भाई तेरे को नोटिस देने में मेरे को इतना खर्चा, तू ही पैसा दे, ये भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट भैया, ट्रेडमार्क जो करेंगे वो सिर्फ नेम का कर सकते हैं या लोगों का कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो सिर्फ कोई वर्ड है, जैसे रॉलमैक, मैंने बोला रॉलमैक वर्ड का आप ट्रेडमार्क कर लो, या फिर चाहो तो आप रॉलमैक वर्ड उसके साथ रॉलमैक किस तरीके से लिखोगे, इन दोनों का ट्रेडमार्क कर सकते हो आप। ठीक है, जब दोनों को एक साथ ट्रेडमार्क करते हो तो उसको बोलते हैं डिवाइस। ठीक है, तो आप डिवाइस करके नेम एंड वर्ड दोनों, नेम एंड जो उसका लोगो है दोनों का एक साथ ट्रेडमार्क कर लो, या फिर अगर आपको सिर्फ नेम का करना है तो कर लो। ठीक है, नॉर्मली जितना बिस्किट वगैरह आप देते हो ना, ब्रिटानिया का बिस्किट, अलग अलग अनमोल का बिस्किट, ये सब बिस्किट सबका रैपर का पूरा ट्रेडमार्क होता है, और आप विश्वास नहीं करोगे 50-60 ट्रेडमार्क लेके बैठे हैं ये लोग, 50-60 मतलब प्रोडक्ट का, भले वो प्रोडक्ट चला नहीं चला बट बिफोर मार्केट में उसको थ्रो करने से पहले ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है। वाई, जैसे ही सपोज करो अनमोल एक बिस्किट लॉन्च किया, ठीक है, और ब्रिटानिया किसी भी बिस्किट से मैच, क्योंकि भैया अल्टीमेटली है तो वही 10-20 क्वालिटी, ठीक है, उसी बिस्किट में तो सारी कंपनियां खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैच कर जाएगा, जहां मैच करेगा ना हमला पार्टी ब्रिटानिया से नोटिस आ गया कि ये हमारे से मैच करा है, इसको हटाओ। अब हटाने तक सीमित नहीं है, हटाओ और आपने जितना प्रोडक्ट बेचा है इस नाम पे, बिकॉज हमारे पास ट्रेडमार्क था, उसका इनकम हमको दो रॉयल्टी बोल के, मतलब जितना आपने इनकम किया है हमारा ब्रांड यूज़ करके, हमारा डिज़ाइन यूज़ करके, उसका पैसा दो। तो ऐसा बहुत काम होता है, मतलब लीगल वे में जो फंस सकते हैं लोग। ठीक है, तो आई हैव इन्फॉर्म यू वॉट इज ट्रेडमार्क, यू आर क्रिस्टल क्लियर कि आपका डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट हो गया, डिफरेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट स्टाइल हो गया, आपका वो वर्ड देख के कोई भी समझ आए कि भैया ये क्या है। क्लियर, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बेनिफिट यू नो दैट वेरी वेल। एक्सपेंसेस का इतना डिटेल कोई नहीं बताया होगा पूरे यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया, वैलिडिटी आपको बता दिया, ठीक है, और अच्छा कुछ एक चीज़ और टिप दे दो भैया, देखो ट्रेडमार्क आप जब अप्लाई करोगे तो क्लास बिल्कुल सही चूज़ करिए, आपका जो बिजनेस है आप जिससे भी ट्रेडमार्क अप्लाई करवा रहे हो, ठीक है, उनको साफ बोलो कि आप किस क्लास में कर रहे हो पहले मेरे को बता दो, ठीक है, एंड जिस क्लास में वो बंदा कर रहा है उस क्लास को आप एक बार गूगल करके चेक कर लीजिए अगर आपका छोटा बिजनेस है, अदरवाइज अगर आपका एक सेपरेट ऑफिस है, मतलब सेपरेट डिवीजन दे दिया हुआ है किसी को, तब तो वो कर लेंगे, अदरवाइज आप क्लास पूछ लो, क्लास वेरीफाई करो कि क्या आप उस क्लास में आते हो कि नहीं, क्योंकि बहुत टाइम होता है कि क्लाइंट के दिमाग में कुछ और होता है, वो बोलता कुछ और है, जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन करने वाला बंदा है वो समझता कुछ और है, तो इन दैट सिनेरियो वो अप्लाई कुछ और कर देता है,
ठीक है, तो मेक श्योर कि आपने जो बोला है वो उसने सही समझा है और वो सही समझ के सही अप्लाई करा है। तो एक बार क्लास आप ज़रूर चेक करो, पहला चीज़। राइट वर्ड्स, ये जो वर्ड जब एप्लीकेशन होता है ना तो एक पीडीएफ जनरेट होता है, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दो कि भाई मेरे जब तुम सबमिट करेगा पेमेंट करने से पहले मेरे को ना फाइल वर्ड पीडीएफ भेज देना कि क्या तुम अप्लाई कर रहे हो। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्विसेज के अंदर तुम्हारा आपका सारा टाइप का चीज़ कवर हो रहा है कि नहीं, कुछ भी पॉइंट छूट तो नहीं रहा, हर एक चीज़ कवर हो रहा है ना, ये एक बार आप चेक करो। राइट वर्ड्स कीवर्ड जो है एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रैकिंग, आपको इसको हर 2 महीने पे एक बार ट्रैक करना होगा, फॉलोअप लेना होगा 2 से 3 महीने का टाइम कि कोई अपडेट आया क्या, क्योंकि 2 से 3 महीने का टाइम जाता है एक ट्रेडमार्क के बीच का रिस्पॉन्स में। आपको हर 2 महीने पर एक बार रिस्पॉन्स लेना है, कुछ अपडेट है क्या, नहीं है ना, ठीक है। फिर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस दिन आप पूछो कि भाई आप एक बात बताओ, राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या फीस चार्ज करोगे। 5,000 10,000 जो भी चार्ज कर रहा है, ईयरली बेसिस पे होता है वो, ठीक है, मंथली नहीं होता है, पूरे ईयरली बेसिस पे। वो हर महीने बैठ के अच्छा चेक करता रहेगा कि आपका ठीक ठाक है ना, राइट ठीक है ना। सपोज आपको कल मिल गया कह रहे ये तो मेरा ट्रेडमार्क है, इसके अगेंस्ट एक्शन लेना है, आप सीधा उसको फोन करके देख भाई ये ट्रेडमार्क यूज़ कर रहा है, आप उसका नाम खोजेगा, उसका एड्रेस पता लगाएगा, आपका जो भी एक्सपर्ट पर्सन है, मतलब लाइक हम लोग को सीधा फोन आता है कि भैया ये देखो फोटो खींच के मेरा क्लाइंट भेज देता है, ये देखो मेरे को भेज दिया, ये ट्रेडमार्क मेरे वाले से मैच करा है, ये नाम नहीं यूज़ कर सकता, इसको नोटिस भेजिए, ठीक है। लाइक ये क्या है, नाम से कैसे पता चले, मतलब कुछ कर दो यार प्लीज़, हमने यही देखा है। सो अब उसका थोड़ा पता लगाना पड़ता है कौन है किसका है, जिसका भी है उसका एड्रेस निकालो फिर उसको भेज दो जो भी है। सो मेक श्योर आप ये सारा चीज़ करो। छोटे बिजनेसमैन को उतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे कैसे ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट किया जाता है, क्या क्या चीज़ होता है। उनको जितना थोड़ा थोड़ा बताया जाता है वो थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं, और उनको सीखने में उनका 50,000-60,000 रुपये खर्चा हो चुका होता है, तब तक वो समझ पाते हैं अच्छा ऐसे ऐसे काम होता है। सो वो चीज़ ना हो सके इसलिए मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया हर एक चीज़ को कवर करके ट्रेडमार्क में। इसके साथ अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स है जिसमें कंपनी का, जैसे अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हो तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम चलाए जाते हैं, ठीक है। वो एक ऐसा स्कीम होता है, 100 दिन का कोर्स चलाया जाता है, 6 महीने का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें आपको बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें जो है समझाई जाती है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू, आपका अकाउंटिंग, आपका कंप्लायंसेस, ये सारा चीज़ को सिखाया जाता है। तो वो 100 दिन का 200 दिन का एक एक कोर्स होता है उनकी तरफ से, ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। हमने उसी चीज़ को और शॉर्ट करके दिया है ताकि आपका और कम टाइम लगे और जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है बस वो मिल सके। 100 दिन का मतलब वो 100 दिन नहीं पढ़ाते, हर रोज़ एक टॉपिक उठाते हैं, थोड़ा सा बताते हैं, एंड उनका टॉपिक बहुत लेंदी होता है तो उनका ज़्यादा टाइम जाता है, हमारा टॉपिक में बहुत शॉर्ट किया गया, इतना इंपॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उतना डाला गया, सो दैट ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। आई होप ट्रेडमार्क का हर एक क्वेश्चन, हर एक चीज़ डिटेल में क्लियर हो चुका है, खर्चा भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लियर हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और लाइक से मोटिवेशन आता है, यार मजाक नहीं कर रहा सच में, ठीक है। कोई भी डाउट रहे ना प्लीज़ कमेंट कर दो, कोई भी डाउट छोटा मोटा डाउट है कमेंट कर दो, ठीक है। पसंद आया तो भी बोल दो कि भैया ये इन्फॉर्मेशन मेरे को अच्छा लगा, ये चीज़ खराब लगा तो भी बता दो यार, नेक्स्ट वीडियो को मैं अच्छा कर लूँगा, ठीक है। भाई देवी ऑडियो को लेकर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भैया ऑडियो तेज़ नहीं है आपका, धीरे है, तो अभी तो मेरे को बहुत तेज़ है ऑडियो दिख रहा है जहाँ तक मेरे सिस्टम का सवाल है। सो आई थिंक आपको ऑडियो क्लियर मिल रहा है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।